आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी स्टाइल, वो भी एकदम ऑथेंटिक तरीके से लिट्टी की रेसिपी। बनाने में बहुत आसान है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो भुने वाले चने होते हैं वो मैंने एक बड़ा कटोरी भर के ले लिया है। ये इसका छिलका उतार के हम इसका एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। वैसे तो इसका पाउडर रेडीमेड भी मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है छिलका उतार के। अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे हम। आप ही अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है इसका मिक्सचर आप उतना ले सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। अब ये मैंने कलरफुल हरी मिर्च ले ली है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं सिर्फ। तो ये डाल देंगे, थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, चटपटा बना रही हूँ मैं इसको। अब ये 2 प्याज एकदम बारीक कटे हुए वो डाल देंगे हम इसमें। प्याज थोड़े ज़्यादा डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच सौंफ डाल देंगे फ्लेवर के लिए। 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे खटाई के लिए। ये थोड़ा सा नींबू का रस है वो डाल दिया मैंने इसमें। ये सरसों का तेल है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो तेल होता है वही है, गर्म करके नहीं डाला है, तो वो डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये मैंने अचार का तेल ले लिया है, कोई सा भी अचार जो आप घर में खाते हैं उसका तेल ले लीजिए, थोड़ा खट्टा रहता है तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसी से ये जो लिट्टी का मिक्सचर है बहुत अच्छा बनता है। अब ये मैंने आम के अचार का मसाला ले लिया है, आप आंवले का अचार, कोई सा भी अचार लीजिए, उसका आप मसाला ले लीजिए, वो डाल दीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें खटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको एकदम इसी तरीके से बनाइए तो एकदम जैसे बिहार में बनाते हैं ना, एकदम वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। तो इसको मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, तो इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया, लेकिन ये अभी बाइंड नहीं हो रहा है अच्छे से। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसमें अच्छे से मुट्ठी बन जाए ऐसा, इसमें बाइंडिंग आ जाए, उससे कैसे बिखरेगा नहीं जब हम इसकी लिट्टी बनाएंगे तो, वरना जब हम लिट्टी में इसका स्टफिंग भरेंगे तो बिखर जाता है। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो जितना आपको आटा चाहिए, जितने मेंबर्स है उस हिसाब से ले लीजिए। उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका आटा गूंथ लेंगे। सेमी सॉफ्ट आटा गला के हम इसका तैयार करेंगे। आटा ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिट्टी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। इसको एक बार और गूंथ लेते हैं और 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढक के, जिससे कि आटा सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो अब आटा सेट हो चुका है। अब मैंने ये छोटी छोटी 2 लोई बना ली है, इसको हम देखिए हाथ से ऐसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाएंगे, एकदम हल्के हाथों से करना है। अगर आप बेल कर बनाएंगे तो हो सकता है आपकी लिट्टी टूटे, इसलिए आप हाथों से बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखिए बीच में गोला होता है तो ये मोटा हो जाता है, तो आपको इसको हाथों से ही पतला करना है, और आटा ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर आटे का ही टेस्ट सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए आटा भी उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी हो। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और इसको ऐसे करके पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए आप इस मिश्रण को जब बना के तैयार कर लेते हैं तो चख कर देख लीजिए, अगर कुछ कम लग रहा है तो और ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए इसका मैंने बहुत अच्छे से गोल बना लिया है, मोदक बनाते हैं बस वैसे ही हमको इसको बना के तैयार करना है। अब ये एक्स्ट्रा आटा मैंने हटा दिया और ये देखिए कितना सही एकदम परफेक्ट शेप आया है। तो ऐसी हम सारी लिट्टी बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने ये तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम लिट्टी को फ्राई करेंगे, एक एक करके इसमें हम सारी लिट्टी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको सेक कर भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पर मैं आज इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। अब हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी जो इसका आटा है, और बाहर से ही कलरफुल हो जाएगी, तो उस बात का ध्यान रखना है, और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। तो करीबन
पाँच से आठ मिनट हमें इसको पकाना है और इसको हम बीच बीच में ऐसे पलटाते रहेंगे जिससे कि ये जले ना। तो ये देखिए शुरुआत में ऐसा कलर आएगा इसमें। ये देखिए हल्की हल्की सी सुनहरी हो गई है, कितना सुंदर कलर आ गया है। अभी भी कच्ची है ये थोड़ी सी, इसको हमें तीन से चार मिनट और लो फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए एकदम बढ़िया से तल के तैयार हो गई है ये, और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। घर के कुछ बेसिक सामान से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको जरूर बनाएं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और हमारी लिट्टी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो चोखा बना लीजिए, बहुत लोग सॉस दही किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।